Like, subscribe and press the bell icon for new updates. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द एसजे इन्फो। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड आर द हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। साइटोप्लाज्म के अंदर हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। हर ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, सो वी कैन से दैट ईच ऑर्गेनेल परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स मे बी द डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। सेल ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होती हैं। द नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इंक्लूड्स, जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं उनमें शामिल है राइबोसोम एंड द साइटोस्केलेटन। द डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इंक्लूड, जो ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं उनमें शामिल है न्यूक्लियस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। कुछ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। सो द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इंक्लूड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल्स एक्सेट्रा। ईच ऑर्गेनेली विद इन द साइटोप्लाज्म परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है उसका एक अपना फंक्शन होता है, और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती। सो द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये थी आज की वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।